हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आ चुके हैं हम लोग छत्रपति शिवाजी फिश मार्केट, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, फिश के जितने भी वैरायटीज है और जितने भी प्राइस है और डिटेल आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस अभी हम लोग आ गए मच्छी मार्केट, फिश मार्केट। तो अभी आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ पे होलसेल और रिटेल आपको दोनों मिल जाएगा। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे, और बहुत सारी मच्छियाँ हैं यहाँ पे, आप लोग को एक एक करके सब दिखाएंगे। क्या रेट के भाई? ये 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो? हाँ। क्या बोलते हैं, कौन सी मछली है? उसको फरवा, गुजराती में फरवा बोलता है। हाँ, अपना इधर सौंदर्य बोलते हैं इसको। अच्छा, सौंदर्य फसा। 150 रुपये किलो। और इधर भी इसको क्या बोलते हैं? उसको छोटा हलवा बोलते हैं, हलवी बोलते हैं इसको। अच्छा, हलवा हलवी। क्या प्राइस है? माजा नहीं पूछो। क्या प्राइस में? 300 रुपये किलो। अच्छा, 300 रुपये किलो। और यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ, ये क्या, कौन सी है? ये पापलेट है। पापलेट जिसको सुपर बोलता है, सुपर सुपर। हाँ, ये सुपर है। क्या प्राइस है? 1400 रुपये किलो। 1400 रुपये किलो। किलो? अच्छा, तो ये 1400 रुपये किलो मिल जाएगा। ये दूसरा दिक्कत है, कौन सा? मूसा। एक बेटा, इसका क्या रेट है? 350 रुपये। 350 रुपये केजी। अच्छा, ठीक है। मेरे भाई का फसा, मैं भी आना चाहिए उसमें। अरे यूट्यूब का चैनल कौन सा मेरे को बोल? मैं बताता हूँ अभी, इसको चकला बोलते हैं। चकला? हाँ, चकला। क्या प्राइस में ये? ये 250 रुपये किलो। 250 रुपये किलो। इसको गुजराती में साकरा बोलते हैं। गुजराती में साकरा? साकरा। अच्छा, ये कौन सी मछली है? सुरमा। सुरमाई? क्या प्राइस क्या है, कैसे किलो है? 450 रुपये किलो। तो यहाँ देख सकते हो सुरमाई मछली 450 रुपये किलो में आपको मिलेगा यहाँ पे होलसेल प्राइस। क्या प्राइस है? 600। 600 रुपये किलो। कौन सी मछली है? आपको ये 600 रुपये किलो मिलेगा। ₹700। 850 रुपया के जी। अच्छा, तो आपको ये 850 रुपया के जी मिलेगा। 700। और ये 700 में आपको मिलेगा, साइज थोड़ी छोटी है। ₹400 केजी। अच्छा, तो गाइस आपको 400 रुपये किलो पड़ेगा। और होलसेल है, ये होलसेल मार्केट है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े झींगे हैं। यहाँ पे झींगा ही बोलते हैं ना इसको, झींगा। हर एक मछली आपको दिखाएंगे, देख सकते हो यहाँ पे क्या है। ये 500-300 ये क्या बोलते इसको? सुपर पॉम्पलेट। कितना बताया के जी? 500 केजी है। अच्छा, 300 केजी है, पर के जी 1300-1200। अच्छा, अलग अलग सबके प्राइस है, छोटे साइज में। तो यहाँ पे सब अलग अलग प्राइस के हैं, जैसे छोटे बड़े साइज में है, और आपको केजी के हिसाब से यहाँ पे मिलेगा। तो आप यहाँ मार्केट में आएंगे तो आपको हर एक फिश मिल जाएगी आपको। ये मार्केट को कौन से, क्या नाम सुनते हैं? छत्रपति शिवाजी। अच्छा, छत्रपति शिवाजी फिश मार्केट। क्या है इसका, कौन सा नाम है? सिबास। कैसे के जी है? 400 रुपया किलो है। 400 रुपया किलो, देख सकते हो 400 रुपया किलो।
और सब में बर्फ डाल के रखा गया है यहाँ पे। बहुत बड़ी बड़ी तो सब यहाँ से बहुत सारे लोग लेके जाते हैं होलसेल में और फिर बाहर सारे रिटेल में जाके लगाते हैं। तो बहुत सारी देख सकते हो आप लोग कितने मछली यहाँ पे है। कौन सी मछली है भाई? बॉम्बिल। क्या प्राइस में? 160 रुपए किलो। तो गाइस 160 रुपए किलो मिलेगा आपको, बॉम्बिल को बोलते हैं। ये कौन सी मछली है? कोमला। क्या प्राइस में? 350 रुपए किलो। ये आपको 350 रुपए किलो मिलेगा। इसका कलर लाल ही है क्या? अच्छा लाल ही है। ये जो है बहुत बेहतरीन मार्केट है, पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी मार्केट है। अच्छा सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ से पूरा सप्लाई होता है और बाहर से सब जगह से, जैसे कि रेलवे से अपना, जैसे यहाँ के जो बड़े बड़े बंदर है, जैसा भावका दक्का है, सासुन डॉग है, उसका भी माल यहीं आता है। अच्छा उसका भी माल यहीं भी आता है, मतलब सबसे बड़ी मार्केट ही है। सबसे बड़ी मार्केट है। मार्केट का क्या बोलते हैं? मार्केट में आपके दूसरे और डाले जाएंगे तो वो एडजस्टमेंट नहीं होगा। अच्छा अच्छा, इसलिए बोल रहा हूँ जो मार्केट हम लोग है वही हम लोग का कम पड़ रही है। तो यहाँ पे तुम दूसरे को लाने जाओगे, बाहर के जो आएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जी जी मैं समझ रहा हूँ, इश्यू भी खड़ा हो जाएगा। हाँ वो ठीक है। तो ये मार्केट क्या नाम से बोलते हैं? क्या नाम बोला? मार्केट का नाम है शिवाजी मार्केट। शिवाजी मार्केट फिश, शिवाजी फिश मार्केट है, जाफर मार्केट पे। और ये अपनी सबसे बड़ी मार्केट है यहाँ पे। अच्छा, और मैं जितने भी व्यापारी यहाँ पे है उसका मेन अध्यक्ष हूँ। अच्छा आप मेन है? अच्छा अच्छा, तो यहाँ की जो मार्केट है ना आपकी जो मार्केट वही छोटी पड़ रही है हम लोगों। अच्छा, हम लोगों यहाँ एडजस्टमेंट हो रहा है, इतना माल है। हाँ समझ रहा हूँ अंकल, समझिए। थैंक यू। अच्छा लेदर जैकेट भी बोलते, क्या प्राइस क्या है? इसका प्राइस 250 रुपए की। अच्छा तो ये आपको 250 रुपए किलो मिलेगा, जो लेदर के नाम से भी जाना जाता है और चप्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ गाइस आओगे तो हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, फिश से रिलेटेड जितने भी आपको फिश है और जितनी भी क्वालिटीज की फिश है आपको सारी फिश यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप यहाँ आइए और बाय करिए और आप यहाँ से ले जाके होलसेल रेट पे, और आप बाहर भी आप सेल कर सकते हैं इसको, रिटेल रेट में बेच सकते हैं आप। तो यहाँ पे आइए, बहुत बड़ी मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है। आप लोग देखे हैं, अंकल जी से मेरी बात हुई तो अंकल जी बोल रहे सबसे बड़ी मार्केट यही है। जी साढ़े 500 रुपये किलो। तो भाई से 550 रुपये किलो होलसेल रेट में आपको यहाँ पे मिलेगा, देख सकते हो। हाँ बताओ। खजूरा बोलो। खजूरा क्या है? खजूरा। खजूरा खजूरा क्या रेट क्या है? 450 रुपए के जी। हाँ तो गाइस से खजुरा इसको बोलते हैं फिश को, और ये 450 रुपए के जी आपको पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हो कितने माल यहाँ पे रखे हुए हैं और सर्व में बर्फ यहाँ लगा कर रखा गया है कि खराब ना हो। अच्छा माल है। हाँ फ्रेश माल है, वो बर्फ इसीलिए लगाते हैं ना। क्या कैसे के जी है? 400 रुपया के जी। क्या केकड़ा में को मतलब और भी कुछ हो नाम होगा ना, केकड़े बोलते हैं इसमें साइज के हिसाब से होता है। हाँ 1 केजी में 3 पीस, 1 केजी में 4 पीस, वो हिसाब के रेट होता है। साइज के ऊपर है? साइज के ऊपर। ये अभी सी वाटर का है। सी वाटर का? सी वाटर का। हाँ तो मड क्रैब बोलते ज्यादा करते हैं। मड क्रैब। भैया जी कौन सी फिश है? तो ये चांद फिश है। कैसा के जी? 50 रुपीस। तो गाइस से 50 रुपीस ओनली, 50 रुपया 1 केजी। और क्या चाहिए आप लोग को? और कुछ चाहिए तो बताइएगा, अगर और कुछ चाहिए तो जरूर बताना। ये 50 रुपया केजी आपको मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। क्या प्राइस है भाई? कौन सा झींगा है? अरे ये झींगा है पिटी पिटी। हाँ कैसे के जी है? 200-800। गाइस देख सकते हो 900-800 रुपये के जी है, बहुत ही बड़े बड़े हैं। हाय, तो क्या ये आप बेचने जा रहे हो क्या? पैक कर रहे हैं। अच्छा मतलब खरीद लिए आप? नहीं पैक हो रहा है, बंद हो रहा है। बंद हो रहा है? अच्छा बंद हो रहा है। टाइमिंग क्या है? ये 9:10 बजे टाइम है। कितने बजे? 9:10 बजे। अच्छा 9:10 बजे। तो गाइस ये मार्केट 9:10 बजे आपको बंद मिलेगी, 10 बजे तक फाइनल।
₹100 किलो आपको ये मिलेगा। और ये 300, ये 300 पर केजी आपको पड़ेगा। हाँ, तो हम भाई बोल रहे हैं कि 1 मिलियन बहुत जल्दी हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आप लोग कोशिश करिए और आप लोग की मेहनत से आप लोग बहुत प्यार जो दिखाते हैं तो 1 मिलियन बहुत जल्दी हो जाएगा। भाई के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वो घंटी वाला बटन है उसको, घंटी वाले को क्लिक करो। तो दोस्तों, तो घंटी को जरूर क्लिक करना, क्योंकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे। तो थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा। तो मेरा चैनल है अरबाज के ब्लॉग, अभी देखो भाई सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे सामने। ऐसे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारे मतलब ऐसे आप प्यार दिखाएंगे तो बहुत अच्छा है, और ऐसे प्यार करते रहिए और आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी अच्छे से अच्छे। तो देख सकते हो ये मेरा चैनल भी मिल गया इधर, अरबाज के ब्लॉग देख लो, यहाँ कटिंग हो रही है, फिश की कटिंग हो रही है पीसेस में, और इधर मावशी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। चालू यहाँ पे कटाई चालू है, देख सकते हो कैसे क्या निकाल रहे, जो खाल चमड़ी क्या निकाल रहे मस्त, अंकल जी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो क्या स्टाइल है यार। अभी आपको एकदम नजदीक से दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं यार, कितने एकदम आराम से निकल रहा है, लेकिन मेहनत इसमें लग रही है, लग रही है ना अंकल, मेहनत लग रही है ना, मेहनत हर चीज में लगता है। और यहाँ पे देखो जितने भी रखे ये सब निकाल रहे हैं, और ये निकालने के बाद यहाँ पे डालेंगे ऐसा, देख सकते हो यार। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ मैं कि ये सुबह मॉर्निंग में ओपन होती है मार्केट, ये कुछ 6 AM से 10 AM तक, उसके बाद ये मार्केट बंद हो जाती है, और मंडे के दिन आप ये क्लोज पाएंगे पूरी मार्केट। तो आप मंडे के दिन ना आके उसके और कभी दूसरे दिन आ सकते हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और लाइक और सब्सक्राइब तो यार कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।